कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर कहाँ होने वाला है? शायद आज 3-0 हो जाए, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 30, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कैपेसिटर और कंडेंसर। पिछले लेक्चर में इसके जन्म की कहानी बताए थे कि आखिर इसके जन्म कैसे हुए हैं, कैसे दाढ़ी वाले घुंघरूले बाल वाले लोगों ने इसको क्या क्या बनाया। आज इसी की हम लोग कहानी सुनेंगे। तो सबसे पहले इनकी हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। उसी को कैपेसिटर कहते हैं, उसी को कंडेंसर कहते हैं। दोनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग नाम है, चाहे कैपेसिटर को हो चाहे कंडेंसर को। आइए इनके छोटी सी डेफिनेशन जान लेते हैं। चालक के आयतन या आकार को बढ़ाए, यहां तक दिखाई दे रहा है, आकार को बढ़ाए बिना उसमें या उसके इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किए गए समायोजन या व्यवस्था समायोजन को इलेक्ट्रिक कैपेसिटी किए गए समायोजन को कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं। क्या कहता है? कोई चालक है, उसको इस प्रकार समायोजित करें, तो उसके आकार और आयतन को बढ़ाए बिना ही इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर कहते हैं। यहाँ केवल एक चालक की बात नहीं होती है, यहाँ देख लीजिए कैपेसिटर में दो प्लेट लगाए, ये हो सकता लगाए जाते हैं ताकि प्लेट के बीच का, याद होगा, विभवांतर कम हो जाए तथा कैपेसिटी नीचे देख रहे हैं बढ़ जाए। पिछले रोज भी बताए थे, यदि कैपेसिटी बढ़ाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना होगा, कम करना होगा। ये दो प्लेट लगा देने से क्या हो जाता है, कैपेसिटी बढ़ जाता है, कंडेंसर का क्या कहते हैं वो घट जाता है, वो क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है। तो अभी देखेंगे घटता कैसे है। पहले इनको फटाक से नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 नोट कर लिया होंगे,
डेफिनेशन को एक बार और पढ़ लेते हैं। चालक के आयतन या आकार को बढ़ाए बिना उसके इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किए गए समायोजन को कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं। कोई समायोजन करना है, एक स्पेशल व्यवस्था लानी है ताकि उसके आकार और आयतन को बढ़ाए भी नहीं और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी बढ़ जाए। कैपेसिटर में दो प्लेट लगाए जाते हैं, क्यों? ताकि प्लेट के बीच का विभवांतर कम हो जाए तथा कैपेसिटी बढ़ जाए। पिछले रोज देखे होंगे यहां पर हम लिख रहे हैं सी इक्वल टू क्यू बाय वी, जब वी घटेगा तो क्यू सी बढ़ेगा। अपना मकसद क्या है, किसको बढ़ाना? सी बढ़ाना, मकसद ये है सी को बढ़ाएं। तो सी को बढ़ाने का उपाय क्या है? पोटेंशियल को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। तो देखते हैं हम लोग कैसे कम करते हैं पोटेंशियल को। मिटा रहे हैं इनको, चलिए आगे लिखेंगे। तो कैपेसिटर में कितने प्लेट होते हैं? दो प्लेट होते हैं। कैपेसिटर में कितने प्लेट? दो प्लेट होते हैं। तो सबसे पहले एक बार डिफिनेशन लिख लें कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटी या इसी को कैपेसिटेंस भी कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर पढ़ते हैं इसको, या कंडेंसर कह दीजिए। तो कंडेंसर की कैपेसिटी क्या होती है? कंडेंसर की कैपेसिटी क्या होती है? तो यहां हम लिखेंगे इसके डिफिनेशन कि कैपेसिटर प्लेट को प्रदान की गई, कैपेसिटर प्लेट को प्रदान की गई आवेश तथा कैपेसिटर के दोनों, समझाएंगे, दोनों प्लेट्स के बीच के विभवांतर के अनुपात को कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। यहीं पर लिख देते हैं इसे सी, वही चीज है, सी से सूचित, उचित नहीं, सूचित किया जाता है। इसे किससे हम लोग सूचित करते हैं? सी से सूचित करते हैं। किसको? कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर को। तो क्या कहा इन्होंने? कैपेसिटर प्लेट को प्रदान की गई आवेश तथा कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच के विभवांतर के अनुपात को कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। तो मोटा मोटी क्या बातें निकल करके आई? तो यहां हम लिख दें सी इक्वल टू क्यू जो दिए हैं और उसके अंदर डी भी, पोटेंशियल डिफरेंस डी भी। तो यही हो जाता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। बात करें इसके यूनिट एंड डायमेंशन के, तो इसके यूनिट एंड डायमेंशन वही होता है जो कैपेसिटेंस का होता है। तो फटाक से इनको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग कैपेसिटर की कैपेसिटी को देखें, जरा इनके प्रिंसिपल को देखते हैं या सिद्धांत क्या कहता है। हेडिंग दे दीजिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर,
कैपेसिटर का सिद्धांत क्या है, दो तीन लाइन लिखेंगे इनके बारे में, ये कहता क्या है। तो देखिए पहले लिखेंगे इसमें दो प्लेट खाना दिया जाता है, नहीं जी इसमें दो प्लेट व्यवस्थित किए जाते हैं, खाना पर जो ध्यान रहता है ना, कितना प्लेट व्यवस्थित किए जाते हैं, दो प्लेट, इसमें केवल एक प्लेट को खाया जाता है, नहीं एक प्लेट को आवेश प्रदान किया जाता है, आवेश प्रदान किया जाता है, दोनों प्लेट को हेलो तो क्या लिखें, दोनों प्लेट को कुछ दूरी या स्मॉल डिस्टेंस लिखें, स्मॉल डिस्टेंस डी पर रखा जाता है। उसके बाद लिखेंगे दूसरे प्लेट को अर्थ से कनेक्ट किया जाता है। लिख लिए इनको फटाक से, लिखे सिद्धांत है, क्या कहा, इसमें दो प्लेट व्यवस्थित किए जाते हैं, प्लेट कैसे भी हो सकता है, समांतर भी हो सकता, क्या कहते हैं कि पैरेलल हो सकते हैं, बेलनाकार हो सकते हैं और गोलीय भी हो सकते हैं, लेकिन दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित किए जाते हैं, इनमें से केवल एक प्लेट को आवेश दिया जाता है, और वो भी कौन से आवेश, तो याद रखेंगे हम दे सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, दोनों प्लेट को स्मॉल डिस्टेंस डी पर रखा जाता है, दूसरे प्लेट को अर्थ से कनेक्ट किया जाता है। उम्मीद है कि इनको छाप लिए होंगे, नहीं छापे हैं छाप लीजिए, 1 2 3 4 5 छाप लिए होंगे। चलिए और कुछ बातें लिखते हैं, प्रिंसिपल माने सिद्धांत, क्या क्या करते हैं इसमें, वही है इनकी प्रिंसिपल, यहां देखिए एक प्लेट को यहां पर हम लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज, चार्ज देने पर दूसरे प्लेट में निगेटिव चार्ज प्रेरित होता है। जानते होंगे प्रेरण, इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिए, सामने वाला प्लेट पर स्वतः कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, इस निगेटिव प्लेट को ही, इस निगेटिव प्लेट को ही अर्थ से कनेक्ट
किया जाता है, अर्थ से कनेक्ट किया जाता है, अर्थ से कनेक्ट करने पर प्लेट का पोटेंशियल घट जाता है, जिसके कारण आवेश धारण करने की, यहां दिखाई दे रहा है, क्षमता बढ़ जाता है। बस यही है इसके प्रिंसिपल। अर्थ से कनेक्ट किए तो क्या हो गया, पोटेंशियल घट गया। पोटेंशियल जैसे ही घटा क्या बढ़ गया, आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ गई। यही आवेश धारण करने की क्षमता क्या कहलाते हैं, कैपेसिटी। तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग प्रिंसिपल के बाद देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की संरचना क्या होती है, तो इसमें कैपेसिटर की संरचना में देखिए, यहाँ पर दो प्लेट बनाएंगे। वैसे तो हम अभी पैरेलल प्लेट बना रहे हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा प्लेट बनाते हैं, हाँ, ताकि भोजन भी हट जाए, एक प्लेट कम से कम भर पेट हो जाए। किसका सीजन चल रहा है अभी, आम ना भोज भात पर ज्यादा जोर है। जानकारी के लिए बता दें, इस वीडियो को जो सब देख रहे होंगे या देखेंगे वो कमेंट करके निश्चित बताना कि ऑफलाइन क्लास कितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास में आकर के कौन कौन पढ़ना चाहते हैं। आने जाने की सुविधा आप जानो, कैसे आओगे नहीं आओगे मेरा काम है, यहाँ आ गए हो तो पढ़ा देना। तो सारी चीज़ सोच समझ करके अब बोल देना, फिर हम भी बोल देंगे। तो चलिए, इसमें कितना प्लेट लगाए हैं, दो प्लेट लगा है। एक ही प्लेट को चार्ज देंगे, दिए चार्ज, कनेक्ट कर दो, तो दूसरे प्लेट पर स्वतः क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। अब दोनों प्लेट पर अपीयर हो गया, तो इधर से इधर की ओर क्या चलेगा, याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ना। जब दो प्लेट है तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर कौन जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, नेगेटिव प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। यूं कनेक्ट कर दीजिए, देखिए अर्थिंग दे रहे हैं, ये सिंबल हो जाएगा अर्थिंग का, ऐसे करके अर्थिंग देंगे। इसको निर्माण करेंगे बढ़िया से, आप लोग पहले छाप लेना फिर इसको मिटा देना। ये अर्थिंग का सिंबल है। केवल आवेश किस प्लेट को दिए हैं, एक प्लेट को, दूसरे प्लेट पर क्या हो गया, स्वतः खाना आ गया, नेगेटिव चार्ज अपने आप अपीयर्स हो गया। प्रेरण पढ़े होंगे, प्रेरण के द्वारा आवेशित करना। यदि पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज होता है दूसरा प्लेट, यदि नेगेटिव चार्ज लेंगे तो दूसरा प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको अर्थ कनेक्ट करने से क्या हुआ, इस पर जो अपीयर है नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन इसके डेंसिटी को क्या बढ़ा दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जैसे ही बढ़ गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये कहेगा हम अधिक से अधिक चार्ज लेंगे, तो चार्ज धारण करने का क्षमता क्या हो गया, बढ़ गया। इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी मान लियो अपना कितना है, इस दोनों प्लेट के बीच की दूरी मान लियो कि भैया डी है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है, डी दूरी पर ये दोनों प्लेट व्यवस्थित है, इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जरा यहां पर देखिए, भी और ई में संबंध, डी भी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, माइनस डी ई या ई बाय डी आर, तो ई बराबर क्या जानेंगे, डी भी या इंटू डी आर,
या बी बराबर कहिए ना, ए बराबर डी ई बाय डी आर, तो डी ई बराबर भी इंटू क्या हो जाएगा डी आर, भी इंटू डी भी हो गया यहाँ डी आर। यहां पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, समानुपाती है। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल जो होता है वो आवेश के समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल को घटाएंगे तो आवेश चाहेगा कि इसके पोटेंशियल को हम क्या करें, बढ़ाएं। तो आवेश का मात्रा इस पर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अपना मकसद भी यही है कि आवेश को अधिक से अधिक क्या कराएं, बढ़ाएं। तो ये है इनके कंस्ट्रक्शन, इनके कंस्ट्रक्शन कैपेसिटर। यदि इसके और क्या कहते हैं कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही कम होगा तो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही कम होगा तो ये चाहेगा हम पोटेंशियल डिफरेंस को फिर क्या करें, इंक्रीज करें। तो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने वाला फैक्टर कौन है, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टोर होगा इसमें, यही तो अपना मकसद है कि पॉजिटिव चार्ज को अधिक से अधिक मात्रा में क्या करें, स्टोर करें। इनके कंस्ट्रक्शन को छाप लेंगे, अभी मैथमेटिक्स पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। सिंबल देख लीजिए, इसको दिखाएंगे कैसे, सिंबल किसका सिंबल, कैपेसिटर का सिंबल। दो समानांतर प्लेट लेंगे, ऐसे करके लाइन दे देंगे, यूं ऐसे दे दिए और दोनों को इधर से कनेक्ट कर देंगे। दोनों यदि बराबर लाइन है, दोनों यदि बराबर लाइन है तो इसका मतलब वो क्या है, कैपेसिटर है। एक वो छोटा एक वो बड़ा हो गया, इसका मतलब ये सेल है अपना, ये सेल है। सेल और कैपेसिटर में अंतर समझिए, कैपेसिटर के दोनों छोर जो होंगे ये दोनों खड़ी रेखा जो है ये दोनों बराबर होंगे, जबकि बैटरी या सेल में क्या होते हैं ये एक दूसरे के लंबाई में कम और ज्यादा होते हैं, एक ज्यादा होते हैं एक कम। तो ये हैं इनके सिंबल, किनके सिंबल, कैपेसिटर के। एक प्लेट को पॉजिटिव करते हैं, दूसरा प्लेट को अर्थ से कनेक्ट करते हैं। अब कहोगे कि इसको अर्थ से कनेक्ट कैसे करते हैं, हम लोग सोचने वाली बात है ना, अर्थ से कनेक्ट कैसे करेंगे। ये मान लिया जाए बल्ब है, यहां से एगो फेज को जोड़ते हो, कहते हैं ये पॉजिटिव फेज है, एगो मिट्टी में गाड़ करके अर्थिंग डालते हैं यहां पर, तो एगो प्लेट तो स्वतः अपना मेन फेज से जोड़ दिया और दूसरा प्लेट को अर्थिंग से कनेक्ट करता है, तो अर्थ से तो कनेक्ट हो गया। अर्थ से कनेक्ट होने से क्या खासियत है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो आवेश, आवेश नहीं बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा, आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो फटाक से इनको नोट कर लीजिए, तो चलिए अभी आप देख लिए सिंबल, ये जो देख रहे हैं ना ये चिन्ह, यही अर्थिंग का सिंबल है। ऐसा सिंबल जहां पर भी दिख जाए समझ जाइए कि इसको किससे कनेक्ट किया गया है, अर्थ से कनेक्ट किया गया है। तो चलिए इनको मिटाते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडेंसर या कैपेसिटर। हेडिंग दे दीजिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का जब हम लोग व्यंजक निकालने जाएंगे ना तो याद कीजिए दो एप्लीकेशन होंगे, कितने एप्लीकेशन है, एक गॉस प्रमेय का एप्लीकेशन होगा कि समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, उसका अनुप्रयोग होगा। एक होगा कि क्या कहते हैं उसको, गोला के कारण, खोखले गोले के कारण विद्युत विभव, खोखले गोले के कारण विद्युत विभव, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू होलो स्फेयर या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फेयर, तो उसके वजह से ये दोनों का एप्लीकेशन होगा। तो हेडिंग देंगे अभी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, क्या हेडिंग देना है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। नंबर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नंबर दो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, तीसरा होगा सिलिंड्रिकल
सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर प्रायः तीन प्रकार के देखे जाते हैं अपना सिलेबस में जो है, ये दोनों एन सी ई आर टी अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस में कौन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, ये अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसके हम लोग व्यंजक को लिख लेंगे, व्यंजक को लिख लेंगे आखिर होता कैसे है। ये टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हेडिंग दे दिए होंगे, दे दिए है ना, चलिए जब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हेडिंग दे ही दिए हैं तो इसको फटाक से पहला नंबर हेडिंग दे दीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तीनों लिख करके हेडिंग दे दें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उम्मीद है दे दिए हमने, मिटा रहे हैं इनको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक नंबर हेडिंग देना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पहला नंबर आपने क्या हेडिंग दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंतर्गत हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले इनकी परिभाषा बना लीजिए, वैसे परिभाषा कुछ नहीं है, वैसा वैसा कैपेसिटर, कैपेसिटर जिसका दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर प्लेट संधारित्र, हिंदी में क्या कहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र, उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर कहते हैं, उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। फटाक से इनको छाप लीजिए। तो अभी अभी आप लोग देखें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेफिनेशन, अब यहां उनको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जैसे पहले बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। ये मान लीजिए कि एक प्लेट है, कैपेसिटर में कितने प्लेट होते हैं, आवेश कितने प्लेट को देते हैं, एक को, जो बच्चा नहीं बोलेगा वो नहीं समझेगा, समझने के लिए बोलना है, प्लस 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 प्लस, इसको यहां से हम दे दिए हैं चार्ज, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ने का मतलब क्या, अर्थेड कर देना, नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ही समझ लीजिए क्या करना, मैंने अर्थ से कनेक्ट कर देना, अर्थ से कर दिए हैं इनको कनेक्ट, इसलिए इस पर आ गया है कैसा चार्ज, नेगेटिव, अर्थ से कनेक्ट करने पर आया, नहीं 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 नहीं, नहीं। इससे प्रेरित होकर के इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड रन करेगा यहां से यहां तक, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, ए बी, ए और बी, यहां पर कुछ क्या कर लें कि भाषा लिख लें, भाषा की आवश्यकता होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो समान क्षेत्रफल वाले
प्लेट होते हैं, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा, समान क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम क्या लिख दें? यहाँ 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 हम एस से सूचित कर लें क्षेत्रफल को, क्योंकि हर जगह इससे पहले भी किसे सूचित किए हैं? एस से। समान क्षेत्रफल वाले प्लेट होते हैं जिसमें प्लेट ए को विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में दिखा दीजिए, ए प्लेट को किससे जोड़े हैं? विद्युत स्रोत। पॉजिटिव को क्या कहा जाता है? विद्युत स्रोत। नेगेटिव क्या हो गया? अर्थेड। नेगेटिव टर्मिनल को अर्थ से कनेक्ट करते हैं। फिर बता रहे हैं वायर में अर्थ से कनेक्ट कैसे किया जाता है? ये बल्ब है, कैपेसिटर को छोड़ दीजिए, पहले बल्ब जानिए, ये बल्ब है तो इसको एक पॉजिटिव तार से जोड़ा है, इसको नेगेटिव नहीं कहते हैं, अर्थिंग गड़बड़ा गया अपना। तो ये जो अर्थिंग है ना, ये यही अर्थिंग है, चाहे वो अर्थिंग तुम अपने पोल से उतार लो या एक खंभा गाड़ करके उससे निकाल लो। मीन्स क्या है? अर्थ से कनेक्ट करना। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ये सर्किट क्या हो सके? पूरा हो सके। जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक करंट सप्लाई नहीं होगी, तब तक इस पर आवेश संचित नहीं होगा। तो ये भाषा लिख लिया हम लोग। यहां पर देखते हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू बस वही Q बाय E। इसी फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ये कैपेसिटी फाइनल फॉर्म में नहीं है, ये होता है सेम। तो अब यहां से हमें निकालना क्या होगा? Q भी निकालना होगा और भी निकालना पड़ेगा। तो Q भी मांगना पड़ता है और भी, तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा? सी बाय क्यू बटा भी। अब ये प्लेट है, ये क्या है जी? प्लेट है, मीन्स एक समतल चादर है, समतल चादर। तो इनको छापिए और देखते हैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। छाप लिए होंगे, नहीं छापे छाप लीजिए, 1 2 3 4 5 छाप लिए होंगे। चलिए इनको मिटाते हैं, भाषा उषा को मिटाते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं इनका। मैथमेटिकल डेरिवेशन तो क्या देखेंगे इसका हम लोग? मैथमेटिकल डेरिवेशन, किसका मैथमेटिकल डेरिवेशन? ऑफ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां पर देखिए ये दोनों क्या है? प्लेट है। क्षेत्रफल कैसा? समान। क्षेत्रफल कैसा? समान। तो यहां पर देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ, यहां तक दिखाई पड़ रही है, ऑफ प्लेट, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय एरिया एस। एरिया एस इस पर चार्ज कितना दे रहे हैं? क्यू चार्ज। तो सिग्मा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं? क्या याद कीजिए? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम,
समांतर प्लेट या क्या कहते हैं थिन इनफिनाइट लॉन्ग प्लेट के कारण या चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बाय एपिसिलिन नॉट, याद आ रहा है सिग्मा बाय एपिसिलिन नॉट, इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है डी, दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी। इस तरफ मिटा रहे हैं, इनको छाप लिए होंगे, इस तरफ करेंगे, अभी फोटो को मिटाना नहीं है, इसको मिटा रहे हैं। सी इक्वल टू क्यू बाय बी ही होता है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एस। तो यहां पर देखिए रिलेशन दिख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ई एंड भी, ई और भी में रिलेशन क्या होता है E बराबर डी भी बट डी आर, यहां R अपना क्या है D, तो इसको क्या कहेंगे E बराबर भी बट डी, कर लें डी को हटा रहे हैं चूंकि डी डी हो जाना है यहां पर, ये D क्या है ये डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, तो भी इक्वल टू क्या हो गया भी इक्वल टू ई डी, डी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, यहां लिख रहे हैं चूंकि डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, दो प्लेट खाना के बीच की जो दूरी है उसी को क्या कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, तो भी इक्वल टू ई डी, एक समीकरण अपने को प्राप्त हो गया, भी एक समीकरण अपने को प्राप्त हो गया, और ई बराबर क्या जानते हैं क्यू बटे सिग्मा ई बराबर सिग्मा बाय एपिसिलिन नॉट, तो यहां भी को पुट करें क्या हो जाएगा भी इक्वल टू वहां से सिग्मा डी बाय एपिसिलिन नॉट, भी निकल गया, इसको समीकरण एक मत कर दो, समीकरण इसको दो कह लो और इसको कह लो समीकरण एक, समीकरण एक और समीकरण दो, तो समीकरण दो भी निकल गया सिग्मा बाय डी बाय एपिसिलिन नॉट, क्षेत्रफल को क्या माना है हमने एस, कहीं कहीं ए मान लेता है, कुछ भी मान लेता है, मानने को क्या जाता है अपना, क्या माने हैं क्षेत्रफल को एस, एस क्या है पहले भी लिख दिए थे यहां पर क्षेत्रफल एस, यहां लिखे थे क्षेत्रफल एस पोस्ट में, तो चलिए इनको फटाक से नोट कीजिए, उधर से मिटाएंगे या फिर फोटो को मिटा देंगे, फोटो की आवश्यकता नहीं है लेकिन जरूरत पड़ेंगे, तो चलिए यहां हम लोग कुछ काम कर ले, इसको मिटा रहे हैं, इसका उपयोग करेंगे, इसमें सिग्मा आया है ना, सिग्मा का वैल्यू पुट कर देंगे क्यू बाय एस, मिटा रहे हैं मिटाए हाँ मिटा देते हैं इधर से, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैपेसिटर वगैरह को मिटा रहे हैं, अब फिर से इनको हम लोग लिखेंगे, यहाँ अभी रख रहे हैं सिग्मा को रख रहे हैं, चलिए देख लीजिए, अब इसको और आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं भी बराबर किसके बराबर है, भी बराबर क्या होना है सिग्मा डी बाय एपिसिलिन, सिग्मा का वैल्यू कितना है क्यू बाय एस, तो यहाँ पर क्या लिख दें क्यू बटे एस गुना डी बटे एपिसिलिन नॉट, तो क्या लिख देंगे क्यू डी बट एस, जहां एस क्या है क्षेत्रफल एरिया प्लेट का एरिया, बता रहे हैं किसी किसी बुक में या कहीं कहीं पर आपको एरिया को क्या बताएंगे ए, तो घबरा नहीं जाना, ये डिस्टेंस को डिस्टेंस डी नहीं लेकर के ले लेगा टी, तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, भी अपना कैलकुलेट हो गया, इक्वेशन कर दीजिए इसको तीन ना, चलिए कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या मान लें इसको सी, तो सी बराबर क्या जानते हैं क्यू बटा भी, तो चलिए नीचे इरेज कर रहे हैं इसको, इसकी आवश्यकता नहीं है, छाप लिए होंगे, बस हम लोग पहुंच गए हैं, तो Q बट B का वैल्यू बोलिए Q D बट
एस एपिसाइलिनम, यही होगा, नीचे ऊपर चल जाएगा, क्यू से क्यू मरा, सी इक्वल टू एस एपिसाइलिन नॉट बट डी। एस क्या है, कहीं कहीं लिखा होगा या सी इक्वल टू ए एपिसाइलिन नॉट बट डी। एस इक्वल टू ए इक्वल टू एरिया, नहीं डी इक्वल टू क्या हो गया, ये तो पहले भी लिख चुके हैं, डिस्टेंस। अब एक चीज देखिए, क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आवेश घनत्व पर निर्भर करता है? नहीं ना। क्या क्यू पर निर्भर करता है? नहीं। परमिटिविटी पर निर्भर करता है? हाँ, यहां निर्वात की बात हो रही है। दोनों प्लेट के बीच की दूरी पर निर्भर करता है? हाँ। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन किन चीज पर निर्भर कर रहा है? एरिया ऑफ प्लेट, परमिटिविटी, ये देख लेते हैं मीडियम, इनको छापिए, फटाक से नोट कीजिए, इधर छाप लिए होंगे, छाप लिए थे इधर, चलिए इधर मिटा रहे हैं और उसको समझाने का चेष्टा करते हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं, तो देखो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है S या A का, S या A का, और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है D का, मींस एरिया बढ़ेगा कैपेसिटर बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा दोनों प्लेट के बीच की दूरी बढ़ेगा तो कैपेसिटर घटेगा, दोनों प्लेट जितना निकट रहेगा उतना। दूसरी बात, यहां यदि हम किसी मीडियम की बात कर लें तो C इक्वल टू ए एपिसाइलिन नॉट एपिसाइलिन आर, मीडियम में होगा ना, बट C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एपिसाइलिन आर हो रहा है, इसको CM कह देते हैं, CM फॉर इन मीडियम, किसी माध्यम में कैपेसिटी, किसी माध्यम में कैपेसिटी। डायरेक्ट क्यों गुना कर दिए जी, दोनों का गुणनफल एपिसाइलिन आता है ना, दोनों का गुना एपिसाइलिन होता है, यहां एक रख दीजिए निर्वात या एयर की बात कर लें एक, तो फिर यही आ जाना है, आई बात समझ में? तो एक क्या है, कहीं ए तो कहीं एस भी लिख सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, अपन एस लिखे हैं तो अपना क्या लिखेंगे, एस ही लिखेंगे। तो देखिए, जब इन दोनों प्लेट के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस डाल देंगे तो इसका कैपेसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, R का, ये किसी मीडियम में। फटाक से इनको कर लें नोट और देखते हैं आगे, ये इसका व्यंजक खत्म हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, किसका व्यंजक समाप्त, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इन सबको हम कर रहे हैं साफ, रखेंगे किनको, इनको रखेंगे और इनको रखेंगे। ईआर के बारे में बताइए, ईआर को कभी के कहे थे जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इनको मिटा रहे हैं, देखिए जरा अब क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, भाग ले यहां से, भाग ले वरना आ जाओगे, भाग ले यहां से, भाग ले। तो देखिए इधर देखो जॉनी, इधर देखो, सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू एस एपिसाइलिन नॉट बाय डी। एस क्या है, एरिया, एस की जगह पर ए का भी प्रयोग करते हैं, क्या ए का प्रयोग करें या एस का, एस का क्या जाता है, रहने दीजिए ना। तो ये क्या हो गया, एयर या फिर वैक्यूम में, और सी एम क्या हो गया, सी एम इक्वल टू एस एपिसाइलिन नॉट आर एपिसाइलिन, आर की जगह पर क्या लिखते हैं यहां पर मुन्ना, के लिख दें, बट डी, ये क्या हो जाएगा, एनी मीडियम, नहीं किसी माध्यम में,
के इक्वल टू क्या है, ई आर इक्वल टू क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये वैल्यू दिए जाते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जरा इनको देखो तो इनको घेर लें, इनको भी घेर लें। समीकरण कमा तक गए थे, तीन तक ना, इसको कह लीजिए आ, इसको कह लीजिए पांच। यही मेन फॉर्मूला है ना। यहां क्या ले लेते हैं, सी एम बाय सी, सी एम बाय सी। तो क्या हो जाएगा, सी एम का वैल्यू एस एपिसल एम नॉट ए के बटे डी गुना डी ऊपर बटे एस एपिसल एम नॉट ए, यही होगा एस एपिसलिन को मरना पड़ेगा, डी को डी को डी को मरना पड़ेगा। तो सी एम बाय सी इक्वल टू के। याद कीजिए वो जमाना जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को डिफाइन कर रहे थे, तो किसी माध्यम में दो आवेश के बीच लगने वाला बल तथा निर्वात में दोनों आवेश के बीच लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। क्या इसको परिभाषा कह सकते हैं कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी, किसी माध्यम में कैपेसिटर की कैपेसिटी तथा निर्वात में या वायु में किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी के अनुपात को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे? वही चीज है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट रहता है तो सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू सी। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फटाक से इनको कर लीजिए नॉट, आगे क्या कहेंगे, नॉट करते जाइए, नॉट करते जाओ, नॉट कर लो फिर आगे बताएंगे। फटाक से इनको नॉट कर लीजिए ना, उम्मीद है कि इनको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए, जब इनको कर लिए हैं नोट, तो अब हम लेना चाहेंगे आपसे विदा, क्योंकि समय हो गए हैं अधिक। तो समय के दायरा में सबको रहना चाहिए। समय को कहते हैं आगे से टिक्की होता है, मरने को तो पीछे से ना है, समय को आगे से होता है। तो समय को आगे से पकड़ा जाता है, समय के एक कदम आगे चलो तब वही समय तुम्हारा सम्मान करेगा, वरना यू आर रिजेक्टेड, तुम रिजेक्ट हो जाओगे। तो इनको प्रैक्टिस करते रहें, अगले लेक्चर में जब आएंगे तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताएंगे, और बताएंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में, और बताएंगे ये कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो इस कैपेसिटी को, इसको हो या इसको प्रभावित कर सकता है। आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घरे रहें, सुरक्षित रहें, अपने को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। यदि वीडियो पसंद आ जाए ना तो कम से कम क्या कर दो, लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं उम्मीद के साथ आज हम ले रहे हैं विराम। धन्यवाद।